हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी डू द प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चाह कर रहे हैं एंड इफ यू वॉन्ट दैट मैथमेटिक्स पार्ट, कंप्यूटर सेक्शन, द जीके पोर्शन, सब कुछ की तैयारी आपकी एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाए तो डेफिनेटली आपको चैनल में ज्वाइन कर लेना चाहिए। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द क्लासेज विच आई हैव मेड फॉर जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए थे, सी एस आई आर एस ओ ए एस ओ के एग्जाम्स हुए थे, उसमें हर एक सेक्शन को कवर किया गया। आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते रहेंगे तो उसका पूरा सिलेबस कवर अप होता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए, सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड डेफिनेटली इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड आई कैन कंटिन्यू कमिंग अप विद सेशंस। तो आज का जो सेशन है वो मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई एम टेकिंग टॉपिक वाइज एज सम ऑफ द चिल्ड्रन दे टोल्ड दैट टॉपिक वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने लास्ट टू डेज बिफोर आई अपलोडेड द वीडियो ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट। आज का जो सेशन है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऑल द क्वेश्चंस वी आर डूइंग टुडे फ्रॉम द टॉपिक एच सी एफ एल सी एम, वो सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। सो आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस द क्वेश्चन हैव बीन प्रिपेयर एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टूडे। आर यू ऑल रेडी? अगर आपने अभी तक वो पहले वाला जो सेशन था विच एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम वो जरूर देख लेना, इट बिकम्स वेरी इजी देन टू अंडरस्टैंड। ओके चलो तो लेट अस स्टार्ट। So if you're not yet like, share or subscribe, तो जरूर कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए let us start with the first question. Let us see what is in, अगर जिसको आता होगा वो जरूर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना एंड जस्ट बी रेडी विथ योर आंसर। सो नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू पाइप्स ऑफ लेंथ 2 पाइप हैं, ठीक है, और एक है 1.5 मीटर का और 1.2 मीटर का। दे आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस विदाउट लीविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप पीसेस ऑफ द सेम साइज व्हिच कैन बी कट फ्रॉम दीज टू लेंथ विल बी अ ग्रेटेस्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड? ग्रेटेस्ट। तो वी विल बी यूजिंग व्हाट कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट दे रखा है, द ग्रेटेस्ट लेंथ, तो हम क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे। अब क्या है वो डेसिमल में दिया गया है, तो अगर मैंने 1.5 को 15/10 लिखा इज इट फाइन, और अगर मैंने लिखा 1.2 को 12/10 ये फाइन है। अब जब हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, तो डू यू रिमेंबर कि हम कैसे कर सकते हैं, एच सी एफ ऑफ द न्यूमरेटर्स by the LCM of the denominator, है ना, LCM of the denominator। अब HCF 15 और 12 का पहले highest common factor निकालो, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5, 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, तो इसमें क्या है common factor 3, तो हमारा HCF क्या आया 15 और 12 का 3 आया, और एलसीएम क्या आएगा 10 10 ही है तो ऑब्वियसली इट विल बी 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.3 मीटर। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द इक्वल पीसेस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 0.3 मीटर। समझ में आया? तो अगर डेसिमल है तो डोंट गेट कंफ्यूज, यू कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन इज एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइन। आगे बढ़ते हैं। Three electronic devices makes a beep after every 48 second, 72 second or 108 second respectively, ठीक है? They beeped together at 10 a.m. 10 a.m. में वो एक साथ बजे थे। The time when they will make a next beep together, अगला beep उसका कब होगा कि वो साथ में हो, तो हमेशा याद रखना कि जब बीप टुगेदर एट द ये ट्रैफिक लाइट कब एक साथ फिर जलेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द वैल्यूज दे हैव गिवन। तो इधर हम लोग निकालेंगे 48,
72 और 108 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 48, 72 एंड 108। चलो जिसने, एवरीवन आई होप दे हैव चेक द वीडियो बिफोर और एवरीवन नोज इट, लेट अस स्टार्ट विद 2। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 6 2 6s are 12, 2 5s are 10, 2 4s are 8। फिर ये हो जाएगा 2, 12s are 24, 2 18s are 36, 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 27 तो ऐसे ही रहेगा। फिर 2 3s are 6, 9 और 27 आया, यहाँ पे आ गया 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 1, 3 3 is a 9 and here this is 3। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 into 9 कर दो, 72, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 32 हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब LCM आया तो अब हमको कैसे निकालना है, we have to find the time when they will beep together। तो जो आंसर आया है, let us 1 minute is equal to 60 seconds, right? तो यहाँ पे 432 डिवाइड बाय 60 करो, 6 7 इज 42 422 और यहाँ पे कितना है, मतलब 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, मतलब ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 10 7 मिनट 12 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर व्हेन दे विल बीप टुगेदर। तो एलसीएम आया, उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया, दो क्वेश्चंस में आया दैट विल बी द मिनट, रिमाइंडर में 12 आया दैट इज द सेकंड, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? अब करते हैं आगे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, मतलब एचसीएफ है 21 और एलसीएम है कितना, 84। If the ratio of two numbers, अब ratio दे रखा है, तो let us consider one number to be x, पहला number को x मतलब 1x ले लेते हैं, क्योंकि 1 is to 4 है, तो दूसरा number क्या हो जाएगा 4x, because the ratio is 1 is to 4, so first number is x, the other number will be 4x. What is the larger of the two number? Now do you remember, ये याद की है, LCM into HCF is equal to first number into second number, ये याद है। तो first number क्या है, x, second number है 4x is equal to 21 into 84, LCM into HCF, तो x into x 4x, 4x square, x into x, x square होता है, फिर 21 into 84, तो हमने अगर x square is equal to 21 into 84 किया, ये 4 नीचे आ जाएगा ना denominator में, तो फिर क्या आएगा बताओ, 4 1s are 4, 4 2 से 8, तो ये 21 into 21 आ गया, तो ये तो और इजी हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली 21 आ जाएगी, क्योंकि x square 21 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 21 है ना, square root of 21 into 21 क्या होगा, 21। अब हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो 21 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या होगा, 21 into 4, 4 1 से 4, 4 2 से 8, तो हमारा लार्जर नंबर क्या आ गया, 84, so that is the answer. Are you understanding? मतलब वो लोग ने थोड़ा सा रेशियो का भी कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, LCM HCF का, you know the formula or not, first number multiplied by second number is equal to HCF into LCM, तो हमारा आंसर आ गया 84। अब क्या क्वेश्चन है, let x be the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3, ठीक है, मतलब पहले LCM निकालो, LCM निकालो किस किस का, 5, 6, 7 and 8 का, ठीक है, इट लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स नो रिमाइंडर, तो सम ऑफ द डिजिट x, ठीक है, चलो तो पहले LCM निकाला, ठीक है, तो कितना आएगा, टेल मी, 30 16 2, नो नॉट दिस, चलो LCM निकालो पहले 5 6 7 8, बिकॉज 2 से आएगा ना, 2 3 is 6, 7, 2 4 is 8, and then we are having 2, 7, 2 2 is 4, and 2, 5, 3, 7, and 2 1 is 2, 2 4 is 8, 8 5 is 40, 43 is 120, 127 is 840. So LCM आ गया 840, और क्या लिखा, it leaves a remainder of the remainder 3. तो नंबर हम जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 840
और इंटू 840 इंटू के प्लस रिमाइंडर 3 लीव कर रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। अब क्या लिख रहे हैं कि बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स नो रिमाइंडर। अगर हमने सोचा कि k की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 840 इंटू 1 प्लस 3, तो 843। अब हम 843 को अगर 9 से डिवाइड करें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन तीनों को सम करो तो 15 आ रहा है, तो वो तो 9 की टेबल में नहीं आता। डू यू रिमेंबर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कि हमने इसको सम किया, 8 प्लस 4, 11, 11 प्लस 3, 8, 9, 10, 11, 12, 12 प्लस 3, सॉरी 15, तो 15 तो 9 की टेबल में नहीं आता है, सो मतलब 843 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो ये k की वैल्यू अब 2 लेते हैं, अब देखते हैं 840 इंटू 2 प्लस 3 करते हैं, ठीक है, एंड 8 4 2 8 1680 प्लस 3, तो हमारा आंसर आ गया 1683, और 6 7 एंड 8 9 10 18, हाँ, तो ये डिविजिबल बाय 9 है। कैसे है, मैंने कैसे पता किया, मैंने उसके डिजिट को एड अप किया, एड करने के बाद मुझे 18 मिला, तो 18 9 की टेबल में आता है ना, तो इसलिए 168 से डिविजिबल होगा। अब देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, तो करो 6 7 8 9 10, 10 प्लस 8 18, तो हमारा आंसर आ गया 18। समझ में आया, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या था, 1683, क्योंकि 8 हमने जब k की वैल्यू हमने 1 रखी तब तो वो डिविजिबल बाय 9 नहीं था, 2 रखी, अगर 2 से भी नहीं होती तो हम 3 के साथ चेक करते और वो ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करते, तो 1683 वो नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है, द लीस्ट नंबर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट जब है तो एलसीएम निकालो, व्हिच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 20, 36 एंड 48 लीव्स 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। अब इसमें क्या करेंगे, टेल मी, यस, एलसीएम निकालो अगेन 20, 36 एंड 48 का, ओके, डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, ओ सॉरी 15 इज आल्सो देयर, ठीक है, 15 भी है वहां पे, व्हिच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, 20, ओ सॉरी माय डियर चिल्ड्रन, सो दिस इज 15, 20, 36, तो लीस्ट है तो एलसीएम निकालते हैं, तो फिर एलसीएम निकालो कितना आएगा, लेट अस स्टार्ट विद 2, 10 जा 20, 2 18 जा 36, 2 2 जा 4, 2 48, 15 अच्छा यहाँ पे 2 लिख रखो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 12 जा एंड देन 2 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओ यहाँ पे वो आ जाता है, 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15, 3 5 अब यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और 5 आ जाएगा, वो 4 2 जा 8, 16, 48, 48, 3 कितना रिमाइंडर है उसको एड अप कर दिया एलसीएम में, वो हमारा आंसर आएगा। जस्ट बी केयरफुल अबाउट द एलसीएम, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब जो ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमको थोड़ा सा एल्जेब्राइक जो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, मैं बस अभी समझा देती हूँ, आगे 2-3 दिन में जब मैं आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगी तब ये और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल करते हैं, इफ द एलसीएम, अच्छा एलसीएम दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, और एचसीएफ कितना दे रखा है एक्स प्लस 1, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है एंड रिस्पेक्टिवली, और एक एक्सप्रेशन भी दे रखा है, वन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड द अदर, तो वी नो दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब पहले हम लोग जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है ना,
उसको पहले फैक्टराइज करते हैं। अब हमको क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखना। अगर अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम लोग एलजेब्राइक आइडेंटिटीज फिर करेंगे। जो ये नंबर है कॉन्स्टेंट, और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या वैल्यू है। जैसे 2x² होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 होता, मगर यहाँ पे 1 है। अब हमने 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो 8 आया, और 8 आया ओके। एंड इसका एलसीएम निकालो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब हम लोगों को इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तब तो इसका वैल्यू 6 आ रहा है, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 8 आ रहा है। तो अगर मैंने 4 प्लस 2 लिया तो 6x आ गया, और 4 × 2 किया तो 8 कर लिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x² + 4x + 2x, मतलब 6x के बदले मैंने 4x + 2x लिख दिया +8। अब इन दोनों से कॉमन निकालो x, ब्रैकेट में क्या बचा, x + 4। अब इन दोनों से कॉमन निकालो तो इससे बचा 2, और यहाँ पे आया x+4। अगर मैंने x+4 कॉमन निकाल दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको, x+4 × x+2। तब मतलब मेरा एलसीएम क्या हो गया, x+4 × x+2 × x+1 तो ऑलरेडी था, एचसीएफ हमारा x+1 दे रखा है। अब हम लोगों का एक एक्सप्रेशन क्या है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 2। इसको अगेन हम फैक्टराइज करेंगे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x² + 2x + x+2। तो हम लोगों का इसमें से कॉमन लेते हैं, x × x+2 + 1 × x+2। तो हमारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर x+2 कॉमन ले लिया तो हमारा x+1 हो गया। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया ये। अब हम लोग करते हैं क्या करेंगे, हम लोग द एक्सप्रेशंस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल। अब हमको पता है LCM × HCF = first expression × second expression। तो सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, LCM × HCF मतलब x+4 × x+2 × x+1 × x+1, 2 बार x+1 है, HCF और LCM, डिवाइडेड बाय ये x+2 / x+1। अब तो ये कैंसिल हो गया, x+2 x+1 x+1 x+2 x+2। अब हमारा क्या बचा, x+4 × x+1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे x, x+1 + 4 × x+1, मतलब जो ये है फर्स्ट x उसको मल्टीप्लाई करो x+1 के साथ, दूसरा जो है उसको भी मल्टीप्लाई करो x+1 के साथ, x × x, x² × x, 4 × x, 4x, 4 1s 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² + 4x + x कितना आएगा, 5x + 4। तो आंसर क्या हो गया, x² + 5x + 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझ में आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बोल रही हूँ कि जैसे a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, और जैसे ये फॉर्म के इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आगे करने वाले हैं। बस अभी के लिए फिलहाल ये हमको पता है करना है। अगर ऐसे में हमको एक्सप्रेशन दे दिया, हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हट जाए, एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। फाइन, अब फिर है क्वेश्चन, 3 men step off together from the same spot. Their steps measures 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस मतलब एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट ठीक है, मिनिमम लीस्ट ये सब जहां पे आया हमने एलसीएम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम निकाल लो तब 63 का, 70 का, 77 का। तो चलो ये तो 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 77 आया। फिर यहां से आ गया 3 7 21, 70 77। अब 7 1 7, यहाँ पे 7 10 70 और 11 ज, ठीक है। अब इसको कर लो, अगर हमने 2 से किया तो 2 5 10 आया, 11 आया यहाँ पे, और 5 और 11 आ जाएगा ना, 5 और 11। तो फिर आप लोग करो इसको मल्टीप्लाई, 5 2 10, ठीक
ठीक है 110 आ गया, 770 आ गया, 770 इंटू 9 कर दो 63, 63 प्लस 6 69, तो ये आ गया हमारा आंसर 3 सी। समझ में आया, हमने एलसीएम निकाला बस। और मतलब अगर हमको इतनी क्लैरिटी है कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, जब हमारा 3 ट्रैफिक लाइट एक साथ जल रहे हैं फिर से कब जलेंगे, तो हमने एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आपको सबको पता चल गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। लेट अस फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 200 और 320। अब मैंने लास्ट क्लास में एक मेथड डिस्कस किया था जिसमें हम इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं, या तो जैसे मैंने अभी तक करती आ रही हूँ वैसे करो, या हम क्या कर सकते हैं 200 और 320 को डिवाइड करते हैं। 200 वन जो 200, यहाँ से 0 2 आ गया, 3 माइनस 2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 120 यहाँ रखेंगे, ये 200 हमारा यहाँ आ जाएगा, दिस वन। अब डिवाइड करते हैं 200 वन जो ये, तो यहाँ पे माइनस किया तो 80 आया। अब जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो ये 120 यहाँ पे आ गया, 80 वन से 80, और हमारा ये आ गया 40, और यहाँ पे 80 वाला यहाँ पे आ गया, तो 42 80, तो हमारा अब रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हमारा एच सी एफ ये वाली वैल्यू होगी 40। सो व्हाट इज द एच सी एफ, 40। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 40। समझ में आया, अगर ये नहीं आ रहा तो अलग अलग कर लेना। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, जस्ट फाइंड इट आउट एंड यू गेट द आंसर। ये तो बहुत इजी है कि डिवाइड करते रहे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और कौन से पॉइंट में हमारा 0 आया, दैट विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, लेट 2 3 डिजिट नंबर have their HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 29, and LCM दे रखा है 4147। ठीक है, और बोला है 2 3 डिजिट नंबर है, द सम ऑफ द नंबर इज। अब करते हैं, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, तो अगर हमने बोला कि लेट द टू नंबर्स, वन नंबर को हम ऐसे ले लेते हैं, HCF ये है ना 29, तो 29 तो होगा 29x। ठीक है, द नंबर्स भी 29x, और दूसरे नंबर को ले लेते हैं 29y। ठीक है, 29 इंटू एक्स एंड 29 इंटू वाई, ठीक है, ये x है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोग कर सकते हैं एलसीएम क्या है, अब 29x और 29y का एलसीएम क्या होगा, 29 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है। तो हम लोगों का x इंटू वाई कितना आ रहा है, 4147 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, ये आ जाएगा 143 डिवाइड करके। अब जब हमारा x into y प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 143 है, अब x और y की क्या वैल्यू लें हम ताकि हमारा प्रोडक्ट 143 आ जाए, तो वो है हमारा बताओ क्या आएगा, 11 से डिवाइड हो रहा है ना, 11 वन, हाँ, तो 11 into 13 जब हम कर रहे हैं, अगर हमने x की वैल्यू 11 ली, y की वैल्यू हमने 13 ली, तब हमारा 143 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हम ले सकते हैं 29 into 11, और दूसरा नंबर हम देख सकते हैं 29 into 13। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 319, और ये आ जाएगा हमारा 377। इन दोनों को जब हमने एड अप किया, द आंसर कम्स आउट टू बी 696। या सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 29 into 11 plus 13, तो ये और इजी हो जाएगा, 29 into 24 कर दो तो 696 आ गया। अंडरस्टैंडिंग कि उनका एलसीएम क्या है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, हमने एज्यूम किया क्योंकि 3 डिजिट नंबर था, हमने किया 29x और 29y, तो उनका एलसीएम क्या आ रहा है, 29 into x into y, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो x into y कितना आ गया, 143 आ गया। तो x और y की क्या वैल्यूज लें ताकि हमारा 143 आ रहा है, तो वी गॉट द आंसर। अब ये भी बहुत इजी इसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। बताओ समझ में आ रहा है तो व्हाई नॉट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, सो द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2 एंड 3, तो लेट वन नंबर बी 2x, द अदर नंबर बी 3x। इफ द एलसीएम, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6x। ठीक है, 3 into 2 6 और 6x, तो एलसीएम अगर हमारा 6x इज इक्वल टू 150 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 150 by 6, 2 3 जस 6 है ना, 3 से कर, हाँ ठीक है, 2 3 जस 6,
एंड टू सेवन 14, टू फाइव 10 और फिर 3 2 6 25. तो x की वैल्यू तो 25 आ गई, तो पहला नंबर आ गया 2 इंटू 25 दैट इज 50, और ये 3 इंटू 25 75. तो हमारा द नंबर्स आर 50 एंड 75. इजी पिजी लेमन स्क्वीजी. अब देखो द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, सब क्वेश्चन एग्जाम्स के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं है कि सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, दैट्स फॉर श्योर. If the students of 9th class are arranged in the rows of 6, 8, 12 and 16, no student is left behind, then the possible number of students in the class. So, ab LCM nikalo. What are the numbers? 6, 8, 12 and 16. Just hold on. 6, 8, sorry. 6, 8, 12 or 16 ka LCM nikalo. Ab hamara aega 2, 3, 6, 2, 4, 8 and then ठीक है 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 8 are 16 एंड देन 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, ठीक है, और 3 आ जाएगा 2 2 are 4, 4 2 are 8, इट्स 16, 16 3 are 48, 48 आ गया एलसीएम. अब 48 तो आंसर में है ही नहीं, अब क्या करें, तो 48 का मल्टीपल देख लो. Okay, it should be in the multiple of 48. So 48 2s are 96, or 96 option mein hai. So take out the multiple of 48 or answer mein hai. So just that is the answer. Now the greatest 4-digit number exactly divisible by which is divisible by 10, 15 or 20. So kya hoga? Sabse bada number to 999 hai, 49999 hai. 4-digit का. अब उन्होंने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15 और 20, तो एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20 निकालोगे, 15 और 20 आएगा 60. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 999 है उसको डिवाइड करेंगे 60 से. ठीक है, 61 are 69 और ये आया 9 यहाँ, 66 are 36 और ये आया 9, ये आया यहाँ, यहाँ आया 9, 66 are 36 और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 39. तो जो ये 999 है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो 39 से, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9960, आंसर है ऑप्शन बी. एलसीएम निकाला, देन वी जस्ट चेक्ड आउट व्हाट इज द रिमाइंडर एंड देन सब्ट्रैक्ट, तब हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स, को प्राइम्स मतलब देयर एचसीएफ इज ओनली वन, है ना, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट हमारा दे रखा है दोनों नंबर का, और वी नो दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. तो एचसीएफ वन ही होगा क्योंकि को प्राइम दे रखा है, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 117/1, दैट इज 117 ओनली, द आंसर इज 117. वेरी इजी क्वेश्चन. थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3x ले लो, 4x ले लो, 5x ले लो, LCM. अब इनका LCM निकालो. What will be the LCM for it? 60x. 60x is equal to दे रखा है. For 2400, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 0 gone. 6, 4, 0, 40. x की वैल्यू आ गई 40. तो ठीक है, अब हमारे नंबर्स क्या हो गए? एक फर्स्ट नंबर हो गया 3 into 40. दूसरा नंबर हो गया 4 इंटू 40, तीसरा नंबर हो गया 5 इंटू 40. तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 40 ओनली, है ना, तो आंसर आ गया 40. व्हाट इज द आंसर? एचसीएफ तो 40 है, तो हमारा आंसर 40 होना चाहिए था, इज इट नॉट? एचसीएफ 40 आएगा, ऑब्वियसली 40 है. अब देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन हुम 1001 स्पेंस एंड 910 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर. अच्छा, मैक्सिमम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो. 910 ऐसे इस वाले मेथड से निकालते हैं. व्हाट डू यू से? 910 यहाँ पे 1 आया या 9 आया, फिर 910 यहाँ पे आया, 91 1s are 10, तो हमारा आ गया ना 91 10 910, सो रिमाइंडर 0 आ गया. सो व्हाट इज द एचसीएफ? HCF is 91, तो हमारा आंसर आ गया 91. Is it fine?
अब ये है, अब बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 5 मिनट, ठीक है। अब सेकंड बेल रिंग्स, बेल रिंग्स आफ्टर 6 मिनट, एंड इफ दे रिंग बेल एट 8 AM तो फिर कब बजेगा? तो एलसीएम निकालो 5 और 6 का, तो 30 आ जाएगा। एलसीएम 5 और 6 का कितना आया? 30। तो 8 मिनट 30, ये 8:30 AM में फिर से बजेगा। इज इट नॉट वेरी इजी? द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग कम्स एट 48। ये हमने पहले भी किया, 48, 72 और 108। इनका एलसीएम क्या आया था? अभी हमने पहले किया था 432 आया था, है ना? और फिर 430 डिवाइडेड बाई हमने क्या किया, 67, और 432 आएगा 7:20, 12 आ जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड्स। तो 8:20 है, तो 8:27:12, सो दैट विल बी द आंसर, है कि नहीं? अब ए बी सी स्टार्ट एट द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 और दूसरा 308 एंड ये 198, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। आफ्टर व्हाट पॉइंट विल दे मीट अगेन? एलसीएम निकाल डालो, व्हाट विल बी द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम डिवाइडेड विद 60, तो आंसर आ जाएगा। आई विल टेल यू द आंसर, आंसर इज ये, एंड चेक आउट कि आप लोगों को आंसर आ रहा है कि नहीं। इनका एलसीएम निकालेंगे, जो भी आंसर आया है उसको डिवाइड करेंगे 60 से, और आप लोग चेक आउट करो आया कि नहीं। नहीं आया तो मुझे बताना, जस्ट गिव इन द कमेंट बॉक्स इफ यू गॉट द आंसर और नॉट। अब देखो, द 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स, ये भी बहुत आता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 और 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same, ठीक है? तो फिर equal stacks में करना है, तो इनका HCF निकालो, HCF निकालो, ठीक है? HCF जब निकलेगा, जैसे 336 के factors क्या हैं, उसको find out करो, जैसे 336 है, fine, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2 2s are 4, 2 1s are 3, 7s are 21, ठीक है? तो 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब वैसे ही 240 के लिए निकालो, 2 12, 2 6s are 12, 2 30, वैसे भी निकाल सकते थे जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया था। सो 240 बिकम्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3, fine, and 96 will become what? 90, wait, oh, just wait, huh? Okay, that is the last question, I suppose. ठीक है, 96 कर दिया हमने, और 248, 224, 212, 26, 23, ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, सो 2 2 2 2 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 आया आंसर। अब हम लोगों का उन्होंने क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी, तो हमारा एचसीएफ 48 आया, तो 336 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 48, तो हमारा क्या आएगा बताओ? 48 336 डिवाइडेड बाय 48 करो, 48 फाइव्स, 48 2s are 48 7s are, तो 7 5 plus 2 7 7 plus 7 40, तो आंसर आ जाएगा 40, समझ में आया? हमने HCF निकाला, उसके बाद हमारा उन्होंने पूछा what will be the total number of stacks, तो 336 के इंग्लिश के बुक है, तो 336 डिवाइडेड बाय 48, मैथ्स के 240 थे, 2 240 डिवाइडेड बाय 48, उन सबको एड अप कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से, और डेफिनेटली इफ यू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, जस्ट नंबर्स चेंज हो जाएंगे मे बी, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। तो ऐसे ही अगला सेशन है जो सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है,
सारे के टॉपिक वाइज आने वाले हैं, तो डेफिनेटली चैनल से बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए. एंड लेट्स होप वी मीट अगेन सून. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस. बाय बाय एवरीवन.